business ideas. तस्वीर का रंग चाहे कोई भी हो, लेकिन आत्मविश्वास का रंग सबसे खूबसूरत होता है। इसीलिए आपके व्यवसाय के कैनवस को पेंट करने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर बिजनेस लॉज के नॉलेज की पेंटिंग ब्रश। बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली, जिसे मॉडर्न टाइम्स में यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसमें नालंदा दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस हिसाब से भारत की जड़ों में ही शिक्षा का बीज है, लेकिन शायद हम लोग खुद ही शिक्षा के इस अर्थ को भूलते चले जा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वंस अगेन प्लीज वेलकम द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। प्लीज सुनील जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज हम अपने देश में शिक्षा की स्थिति की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले शायद ये समझना जरूरी हो जाता है कि शिक्षा होती क्या है। एजुकेशन, इस वर्ड की सही परिभाषा क्या होगी? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है आपने, जबकि बहुत सरल है। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज एक्वायर करना जी, और नॉलेज जब हम एक्वायर कर लेते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमें अच्छी तरह जीवन जीने का तरीका मिल जाता है। हम अपनी लाइफ को हैप्पीली लीड कर सकते हैं जी। हमें अपनी, अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने देश की जरूरतों का पता लग जाता है जी। हमें अपने राइट पता लग जाते हैं, अपनी ड्यूटीज पता लग जाती हैं। जरूरत होती है सिर्फ उसका पालन करने की। हाँ, जब ये आदमी को पता लगता है तो निसंदेह देश भी आगे बढ़ता है और समाज भी एक अच्छे वातावरण में रहता है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में जो ये एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या सिस्टम है हमारे देश में। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो संसार में सबसे बड़ा है। बिल्कुल, बेशक स्टूडेंट रोल इनरोलमेंट के मामले में हम सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के मामले में पूरे वर्ल्ड में हम सब नंबर एक पे सबसे आगे, सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम हमारा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो भाग में है, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर जी। पब्लिक सेक्टर में वो आती हैं जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, और जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIT हो गए, NIT हो गए। फिर आता है प्राइवेट एजुकेशन। प्राइवेट एजुकेशन के दो भाग हो जाते हैं। पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन जी। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब हो गया कि आप स्कूल रन कर रहे हैं CBSE एफिलेटेड, या आपको ऐसा इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं जो कि CBSE एफिलेटेड है, या वो गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से एफिलेटेड है, AICT से एफिलेटेड है, या हमारी स्टेट्यूटरी बॉडी है, MCI होगी, BCA होगी, उनसे एफिलेटेड है, या किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। एक हो गया नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में आ जाता है कि प्री स्कूल, जैसे प्री स्कूल रेगुलेटेड नहीं है जी, लेकिन रन हो रहे हैं हमारे, लेकिन बहुत रन हो रहे हैं। उसकी बात करें तो एक दो स्टेट में, जैसे दिल्ली स्टेट में, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर है उनको रेगुलेट करने की, या कर्नाटका में ऐसा है कि उनके पास पावर है कि प्री स्कूल को वो रेगुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज पूरे देश में ये नॉन फॉर्मल सेक्टर में चल रहा है जी। और उसके बाद नॉन फॉर्मल सेक्टर में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उसमें एक बड़ा नाम कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, और नॉन फॉर्मल में वोकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है जी। तो क्योंकि आपने नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात की है, तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान मौजूद है जिन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा आयाम खोला है, उन्हें बुला लेते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे साथ मेहमान शुमार हो रहे हैं, आप वो शख्सियत है जिन्होंने भारत के नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के तहत कोचिंग की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है। आपने अपने जुनून और काम की बदौलत एक ब्रांडेड टीचिंग मेथडोलॉजी कायम की है। आप ना केवल एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं, बल्कि एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं। प्लीज वेलकम द चेयरमैन ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, मिस्टर JC चौधरी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज सर बैठे। चौधरी जी, लगभग 3 दशक हो गए आपको एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, और इन सालों में लाखों करोड़ों बच्चे आपसे शिक्षा का मोती हासिल करके आगे निकले हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो एजुकेशन है, एक्चुअली इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी सोसाइटी के अंदर?
एजुकेशन के बिना तो मैं समझता हूँ लाइफ कुछ है ही नहीं. और जिस देश के अंदर जितना एजुकेशन ज़्यादा होती है, जितना लोग पढ़े लिखे होते हैं, उतना ही वो देश आगे प्रगतिशील होता है, ज़्यादा सोच वाला होता है और ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक का सही मायने में इस्तेमाल किया जा सकता है. बिल्कुल. किसी भी एजुकेशन के अंदर घर का रोल, पेरेंट्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट मान सकता हूँ, क्योंकि जैसा वो उसके अंदर बुनियाद डाल देंगे, जैसी आदतें डाल देंगे, वही सारी जिंदगी चलेंगी. जी, व्हाई यू हैव चोजन दिस नॉन फॉर्मल काइंड ऑफ एजुकेशन की कोचिंग ही प्रोवाइड करवानी है बच्चों को, व्हाई नॉट फॉर्मल? इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आदमी ऑटोनोमस होता है. और जो उसके दिमाग में विचार आते हैं, जो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, वो तुरंत फास्ट कर सकता है. तो इसलिए मुझे लगा कि अगर हमारे पास सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं और हम उसको फास्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इस फील्ड में रह के कर सकते हैं. तो हमेशा से ही आप चाहते थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ही रन करना है आपको? मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में चैलेंज बहुत होता है. हर साल हमें फर्स्ट रैंक सिलेक्शन करानी होती है. हमने कितनों को डॉक्टर बनाया, कितने को इंजीनियर बनाया, तो हमारी सक्सेस क्राइटेरिया रिजल्ट से डिस्प्ले होता है. यस, इट इज मोर रिजल्ट ओरिएंटेड. मोर रिजल्ट ओरिएंटेड, एग्जैक्टली. सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि सर बता रहे हैं कि रिजल्ट्स जो है वो बहुत मायने करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग यही देखते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट से या आपके स्कूल से कितने बच्चे आगे निकले हैं और सक्सेसफुल हैं या एक्सेलेंस में आगे हैं. हमारे देश में आपको क्या लगता है, शिक्षा जो अपने पांव पसार रही है, किस हद तक पसार चुकी है और कितने और काम करने की ज़रूरत है? अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम देखें साक्षरता रेट हमारा 73% है. मतलब 27 लोग 100 में से अभी भी अनपढ़ हैं. जी, पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे देश में हमारे राइट है, राइट टू एजुकेशन. और अब जो नया एक्ट आ गया है उसके मुताबिक हमारे देश में 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन कंपलसरी है. ये होने के बावजूद भी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री में आती है. वो इसीलिए आती है डेवलपिंग कंट्री में क्योंकि साक्षरता रेट जब तक 100% नहीं होगा, जब तक कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता तरक्की नहीं कर सकती. और अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो कितना कम है, तो अभी हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बहुत कम क्षेत्रों तक पहुंच रही है. आज के कॉम्पिटेटिव युग में जहां पर कि यदि हम मेडिकल एजुकेशन देखें या इंजीनियरिंग एजुकेशन देखें, जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जो सीट है हमारी वो बहुत कम है और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. जी, आपने ये जो बात कही है इसके बारे में हमने कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स से बात की थी, आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे, प्लीज. जो प्रिपरेशन में हमारा टाइम लगता है जब हमें एमबीबीएस में एंट्रेंस मिलता है, तो वो अगर कम किया जा सके, तो जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो इसलिए लगता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है एंड एवरीबडी कुड नॉट अफोर्ड द प्राइवेट कॉलेजेस. अभी डॉक्टर पेशेंट रेशियो काफ़ी लैगिंग है हमारी कंट्री में, तो अगर पीजी की सीट्स बढ़ाई जाएं और मोर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे कंट्री में भी काफ़ी एंथुसियास्टिक डॉक्टर्स हैं तो वो और ज़्यादा सर्विस देना चाहते हैं, तो अगर और ज़्यादा सीट्स होंगी तो और ज़्यादा वेलफेयर होगा सोसाइटी का. तो अभी अगर हो सके तो मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा और फंड्स मेडिकल सेक्टर की तरफ भी अलॉट करने चाहिए. तो दो बातें यहाँ पर निकल के आती हैं, एक तो कि उन्हें समय ज़्यादा लगता है अपने पूरे प्रिपरेशन के लिए, दूसरा मेडिकल सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए. पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, आपको क्या लगता है कि ये जो समय ज़्यादा लगता है बच्चों को, आपको लगता है कि ये मतलब वाजिब है, इतना होना चाहिए? क्योंकि मेडिकल का MBBS का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है और मेरा ख्याल है करीब 20-22 सब्जेक्ट्स होते हैं. जी, तो उनको अगर थॉरली पढ़ाया नहीं जाएगा तो नॉलेज अधूरी रह जाएगी. तो ये 4.5 साल का जो समय है वो रिक्वायर्ड है उसको पढ़ाने के लिए. अगर उसको हम कम करेंगे तो मेरे ख्याल में हम सही तरीके से बच्चों को नॉलेज नहीं दे पाएंगे. सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी एक बच्चे ने यहाँ पर बात की कि मेडिकल जो सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट और बढ़ाई जाने की ज़रूरत है क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स वाकई कम है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है, सीटें बढ़ाई जानी चाहिए. हमारे देश में जितने कॉलेज हैं, जैसे लगभग आज सारे कॉलेज मिला के देखें, एफिलेटेड कॉलेज तो 40,000 हैं और 35,000 कॉलेज की और ज़रूरत है.
यदि हम यूनिवर्सिटीज़ देखें तो 762 यूनिवर्सिटी हैं हमारे देश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट अफिलेटेड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सब मिला के, और लगभग हमारा सर्वे कहता है कि 700 यूनिवर्सिटी और चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि हमारी बाकी सीट देखें तो 4 करोड़ बच्चों को अभी हमारे को वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट चाहिए, इतनी सीटें होनी चाहिए, तो उनके लिए और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और चाहिए, क्योंकि सीट कम है इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जी, जी, तो जी। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, तो गवर्नमेंट कॉलेज में होने के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो वहाँ पर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका रोल हो जाता है कि वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा ज्यादा बच्चे और जो काबिल बच्चे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, एंट्रेंस क्लियर करें और सीधा एडमिशन हो, उन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं जाना, प्राइवेट कॉलेजेस में ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पर फीस बहुत ज्यादा होती है। तो एजुकेशन सेक्टर में यदि हम देखें जी। तो FDI अभी सरकार ने 100% अलाउ कर दिया है कि बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप 100% बाहर से पैसा लाके एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ओके। और हमारे देश में लगभग 50 करोड़ बच्चे हैं जो कि 5 साल से 24 साल के बीच के हैं, तो ये सारे वो बच्चे हैं 5 से 24 साल के जिनको एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल। और ये जो गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए यदि हम देखते हैं आज की डेट में, तो एजुकेशन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें इतना बड़ा गैप है कि कोई भी यदि इन्वेस्टमेंट, चाहे FDI हो या हमारे इंटरनल सोर्सेज से हो या हमारे जो उद्योगपति हैं या हमारे देश में जो और एजुकेशनिस्ट हैं, वो यदि एजुकेशन में आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हैं और इसमें बेनिफिट भी है। इसमें आपको टैक्सेशन बेनिफिट भी मिलते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी नहीं लगता, इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारी तरह की एजुकेशन के लिए माफ है। जी, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत बढ़ावा दे रही है। सुनील जी, आपने जो अभी एक बात कही कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है हमारे देश में कम है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, ऐसे में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका रोल और बढ़ जाता है ताकि बच्चों को और अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि वो क्लियर करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में दाखिला ले सकें। आप किस तरह सर इंश्योर करते हैं कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो उनका सिलेक्शन आगे हो, वो एंट्रेंस को क्लियर करें, जो आपका एक स्टडी पैटर्न है वो कैसा रहता है, कैसे आप उनको पढ़ाते हैं? या तो कुछ बच्चों को हम डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं उनकी पिछली क्लास में परसेंटेज के बेसिस पे जी, या अपना एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं जी, उस टेस्ट में मेरिट लिस्ट से ले लेते हैं जी। गुड टीचर इज द बैकबोन फॉर एनी इंस्टीट्यूट, तो टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस भी बड़ा स्ट्रिंजेंट हमारा होता है जी। तो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं और सिलेबस बना होता है, करिकुलम बना होता है, पूरे सिलेबस को आवर्स में डिवाइड किया होता है पूरे साल का। ओके। कि इस वीक में ये पढ़ाना है और डेट वाइज दिया होता है, इस डेट को ये लेक्चर इतना कंटेंट पढ़ाना है, तो पूरे साल का प्लानर हम बना लेते हैं और हर हफ्ते जितना पढ़ाया गया है 3 दिन में या 4 दिन में उसका एक वीकली टेस्ट हो जाता है। फिर 1 महीने के बाद जितना भी टेस्ट हुए हैं उतना सिलेबस का मंथली टेस्ट हो जाता है। मंथली टेस्ट 3-4 महीने चलते रहते हैं जी। और उसके बाद अक्टूबर के महीने से ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज चालू करते हैं, सारे इंडिया में कोई भी उसमें बैठ सकता है, उसमें 1-2 लाख बच्चे बैठते हैं, तो उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस आती है उनको रैंक दिया जाता है कि आप इंडिया में इस लेवल पे आज स्टैंड करते हैं और सिलेक्शन इस परसेंटेज पे होती है। अब आप देखिए कि आपको कितनी और मेहनत करनी है, आप सेफ जोन में हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो यू हैव टू वर्क मोर हार्ड। तो प्राइमरी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में खास तौर से आकाश के अंदर जी। टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, तो हमारे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा राज हमारा टेस्टिंग सिस्टम का रहा है जी। आपने अभी कहा कि जो आपकी जो टेस्टिंग होती है उसमें आपका एक ऑल इंडिया भी आप लोगों का टेस्टिंग होता है, मोर देन 100 ब्रांचेस यू आर हैविंग, तो अभी हम आपसे थोड़ी देर बाद ये ज़रूर जानेंगे कि कैसे आप उन सभी ब्रांचेस को मैनेज करते हैं।